अस्सलाम वालेकुम। जूफी किचन में आप सबका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? अभी मैं बाजार गई थी तो बहुत गर्मी हो रही है, आकर मैं नहाई, फिर अभी मैं पकाने जा रही हूँ तहारी। ये जो डिश है जो बताऊंगी मैं, ये दक्कन की है, गुलबर्गा की, लेकिन हम बनाएंगे अपने मुंबई के तरीके से। तो आइए चलें देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये है दाल और मसूर की दाल, चावल जो कि धो के इसको हमने भिगा दिए थे, और ये कुकर में है गोश्त, अभी इसको हम गला के रखे हैं, अभी मैं खोल के बताऊंगी। और ये दो प्याज हैं जो रफली ऐसी काटे हैं, दो हरी मिर्चें हैं, और यहाँ जो है ये घर की मिर्ची है कुटी हुई मसाले वाली लाल मिर्ची, और ये गरम मसाला है, धनिया पाउडर है 2 चम्मच 3 चम्मच छोटे चम्मच से, नमक है, और ये कश्मीरी मिर्ची है, और ये आधा चम्मच हल्दी है। हल्दी हम पहले गोश्त में भी डालकर, गोश्त में हल्दी और नमक डालकर उसको कुकर में गला लिए हैं। और ये है 150 ग्राम जितना दही है, और एक टमाटर, और ये एक नींबू का जूस है, और कसूरी मेथी है, और यहाँ जो है तो कोथमीर पुदीना काट के धो के रखे हैं, और ये मिर्चे हैं साबित मिर्चे। ये एक पाव गोश्त है, और ये अच्छे से गल चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ तहारी, तो अब मैं जा रही हूँ तहारी बघारने के लिए। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कांदा बघार के लिए, तेल मैंने डाल दी हूँ तपेली में, सब मैं बघारती हूँ। ये कांदा है ना, अभी बिरिस्ता बने तक अपने को तलना है। आप तेल की तरफ माइंड ना करें, इसको इग्नोर करें, क्योंकि ये जो तेल मेरे पास ना चिकन तलावा रखा था, तो मैंने ये बघार में डाल दी, उसको वेस्ट नहीं की, तो इसके लिए इसका कलर ऐसा दिखा रहा है। और बताओ आप लोगों का कैसा चल रहा है, सब लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का करम है, और अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग भी अच्छे रहे, खुश रहे, आबाद रहे, आपके बच्चे खुश रहे, हयाती तंदुरुस्ती दे अल्लाह, सबको नेक अक्ल नेक तौफीक दे। नागा अल्लाह ताला आप सबको नागानी आफतों से, हवाई आफतों से बचाए, हर परेशानियों से, हर तकलीफ़ों से दूर रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये पानी जो मैंने अभी रखी हूँ, ये बहुत देर हो गई मुझे आज पकाने में, खाना बनाने में, तो मेरे हस्बैंड आने वाले भी खाना खाने के लिए, तो इसके लिए मैंने ये चावल में डालने का पानी पहले ही एक गैस पे रख दी हूँ गर्म होने के लिए, जो कि मैं अब डालूँगी ये बघार होने के बाद में, वो भी मैं बताऊँगी कैसा। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, अभी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। एक एक चम्मच डाल दी हूँ दोनों। अदरक लहसुन मैं आप लोग को बताना भूल गई, क्योंकि ये जो रखी हूँ सामान सब पकाने का, इसमें रखना ही भूल गई थी, इसलिए अभी मैंने इसमें डाल दी। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर सारे मसाले डालेंगे। ये हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ मैं, थोड़ा कांदा नरम होने के बाद में हरी मिर्च। देखो ये सारे पाउडर मसाले में डाल रही हूँ, अब ये दही भी डालूंगी और टमाटर भी इसी में डाल दूंगी। एक नींबू का जूस भी, एक नींबू का, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम 5 मिनट में भूनेंगे। चलो अब हम इसमें गोश्त डालते हैं,
देखिए मिर्च भी डाल दिए, अब इसको थोड़ा सा भूनते हैं और इसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे, चावल डालेंगे। चावल पानी भी मेरा अभी जो चावल में डालने का है वो गर्म हो चुका है, बस ये थोड़ा मसाले भूनने में और बस 10-15 मिनट की देर लगेंगी, पक जाएगा खाना। मुझे तो डर लग रही है कि अभी कहीं मेरे हस्बैंड आएंगे तो खाना मांगेंगे तो अभी मैं क्या दूंगी, इतना फास्ट तो बन नहीं रहा है। असल में आज बाज़ार में गई तो बहुत गर्मी, इतनी धूप, बाज़ार से आने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर पहले मैं नहाई फिर पकाने खड़े रही ठंडा पानी, तो इसके लिए इतना टाइम हो रहा है। और मेरी बहू जो है वो शूट कर रही है माशाल्लाह, वो भी देखती है तो फौरन कोई भी चीज़ पकाते हुए फौरन कैच करती है और वैसा मतलब बाद में फिर वैसे ही बनाती है, तो एक बार मैं बनाकर बता देती हूँ उसको, दूसरी बार वो खुद ही बनाती है। देखो थोड़ा भूनना पड़ेगा बाकी अच्छा बनेगा। देखो मेरे मसाले भून रहे हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर इसमें कुछ गलती नज़र आती है तो इसको इग्नोर कीजिए। असल में ना ये डिश है दक्षिण की, वही मैं बताई पहले भी कि ये गुलबर्गा की, तो वो लोग है ना चावल में ना दाल नहीं डालते मसूर की, जैसे कि लाल दाल मैंने डाली हूँ, ये हम लोग के घर में लगती है लाल दाल वाली तहारी, इसके लिए मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ बम्बई के तरीके से। अब लग रहा है मसाला भून गया है, तो मैं इसके अंदर ये कोथमीर पुदीना जो काट कर धोकर रखी हूँ ये डाल रही हूँ, और ये कसूरी मेथी है थोड़ी जो इसको मैंने भून कर रख ली हूँ। इससे ना इसका टेस्ट बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप लोग भी कभी ट्राई करना और खाना, इस रेसिपी को अभी फॉलो करो और बनाओ और खाओ घर में, बहुत टेस्टी बनती है। अभी मैं इसके साथ में कचुंबर भी बताऊंगी बनाने का कैसे बनाते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, यानी जो गर्म हो गया था ना ये अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर में ये वो एक उबाल आ जाएगा ना, इसमें 2 लोटे हो गए ये, और ये अभी आधा लोटा बस। अब ये उसमें उबाल आएगा तो फिर हम उसको चावल डाल के पकने रखेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये मैं चावल डाल रही हूँ, इसमें उबाल आ गया है, अभी देख सकते हैं आपको। अभी ये पूरा दम होने के बाद ही बताऊंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए तारी का कलर, अभी मैं आप लोग को डिश आउट करके बताती हूँ, ठीक है। ये अब तारी ये रेडी हो चुकी है और मैंने डिश में निकाली हूँ, ये तारी है और ये कचूमर उसके साथ में, और ये मैं आपको खा के भी बताऊँगी। और जो मेरे पीछे जो कुछ भी सामान दिख रहा है इसको इग्नोर करो, क्योंकि घर की जगह तो ये सब सामान रहता ही है, हर घर में हो रहता है। रूबी जी कैसा बोलो, खतरनाक। आप भी बनाइए खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब फिर कल मिलते हैं, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।